मैं विशेष बात करने तो नहीं जान पाता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है कि इस देश का संबंध ग्रंथ भगवद गीता जन जन तक पहुँचाया जाए। इसलिए मैं विशेष रूप से भगवद गीता की ही बात करना उचित समझता हूँ, क्योंकि भगवद गीता में बात 18वें अध्याय के 71 नंबर श्लोक में बात कही गई है, श्रद्धावान अनुसूयश्च सुनियाद अतियो नरा ते विमुक्ता शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। मानो शरीर पाए हैं, सर्वोत्तम काया पाए हैं और दुनिया में सर्वोत्तम प्राणी की हैसियत से आपको प्रभु ने इस धरती पर भेजा है, तो इसी धरती से आप सत्यलोक तक चले जाने का प्रयास करेंगे तो सत्यलोक में चले जाएंगे, जहाँ प्रभु का धाम है और प्रभु के पलाव में प्रभु के सानिध्य में रहने का अवसर मिलेगा। और इसी के हिसाब से जैसे जैसे कर्म कर्म सुकर्म करेंगे वैसे वैसे अथा पतन होता रहेगा और अंत में वही बाबा गुरु की चपेट में फंसेंगे और 184,000 योनियों की चर्चा हमारे शास्त्रों में चलती है। तो उस तरह से इंसान बनने के बाद अगर दूसरे योनियों में आपको अवसर मिले तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है। इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देने की पूरी क्षमता के साथ भगवद गीता आपके पास है। इस धरती को छोड़कर भगवद गीता कहीं गई नहीं, हम विचलित होते चले गए। प्रभु ने दो माध्यम हमें दिया, एक तो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर और दूसरा ये उसका सारा संसार जो मनोरम दृश्य से भरपूर है। तो उसने कहा कि हे मानव, तुम्हारे सामने दो मार्ग हमने दे दिया है। सुक्त कृष्ण ने गति देते जगता शास्त्रते मते 8वें अध्याय का 26वां श्लोक है ये कि अच्छाई और बुराई दो मार्ग तुम्हारे सामने मैं रख दिया हूँ, इसी में तुम्हारी परीक्षा है। जो अच्छा मार्ग चुनेगा वो मार्ग मेरे धाम में चला आता है। तत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, वो उस धाम में पहुँचने वाला उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं, वो परम धाम मेरा है। इसी बात को समझाने की चेष्टा से पिछले साल मैंने प्रयास किया था तो समयाभाव के कारण मधुकर जी ने मना कर दिया कि समय नहीं है। उसी प्रसंग को मैं बताना चाह रहा था कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म दुनिया में चल रहे हैं, वे सारे के सारे सनातन धर्म से अलग है ही। इस्लाम की बात पे जैसे इन्होंने कहा था कि इस्लाम तलवार के बल पर फैला है, उसके जवाब में मैं बताना चाह रहा था कि इस्लाम कोई अलग धर्म है ही नहीं, वास्तव में वह सनातन तत्व ज्ञान का अरबी भाषा में रूपांतर है और वो मूल तत्व ज्ञान सनातन तत्व ज्ञान। सनातन तत्व उसको कहा जाता है, सनातन 7वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर आखिरी श्लोक तक उसमें बताया गया है कि सनातन तत्व ज्ञान क्या है। इसका विश्लेषण की समय भाव है और सारे लोग अभी उद्वीन हो चुके हैं,
मैं एक एक श्लोक का आपके साथ बताता कि यह सनातन तत्व ज्ञान पूरे दुनिया के लिए एक ही सनातन तत्व ज्ञान है, जैसे दो और दो चार होता है, चाहे अंग्रेजी में कहें तो, चाहे अरबी में कहें तो, चाहे हिंदी में कहें तो, चाहे संस्कृत में कहें तो, दो और दो चार ही होता है, चाहे दिल्ली में कहें तो, चाहे लंदन में कहें तो, चाहे बॉम्बे में कहें तो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में कहें तो, दो और दो चार ही होता है। इसी तरह से सनातन तत्व ज्ञान एक ही है, दूसरा कोई है ही। इस्लाम पूरे तरह से भगवत गीता से अलग चर्चा उसके सिद्धांतों की होती ही नहीं। जैसा कि इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है समर्पण, शांति। आप भगवत गीता पढ़ते जाइए, हमारे ग्रंथ में ज्ञान लब्ध्वा परां शांति मतिरेका अधिगच्छति, यह परम तत्व ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है वो परम शांति को पाता है। और समर्पण, जैसा कि मैंने बताया कि दो रास्ता प्रभु ने बताया, एक हुआ स्वयं मालिक, एक हुआ है और दूसरा उसका संसार है। पूरी दुनिया संसार को लूटने में अपना जी जान सब कुछ उछाल कर देता है, जबकि संसार का एक तिनका भी उसके हाथ नहीं लगने वाला। तो और उस परम परमेश्वर जो है उसकी दुनिया है, अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो दुनिया भी अपनी और दुनिया के मालिक भी अपना हो जाएगा। इस तरह से तत्व को समझने को सनातन तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसका विश्लेषण भगवत गीता में पूरे तरह से बताया गया है। और उस परब्रह्म परमेश्वर के प्रति समर्पण भाव को कैसे समर्पण किया जाए, उसी समर्पण भाव को अरबी भाषा में इस्लाम कहा जाता है। उसमें भगवत गीता में 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में बात कही गई है, तुम जो कुछ भी एक कदम भी अगर बढ़ा रहे हो तो प्रभु का नाम लेके बढ़ाओ, कुछ भी खा पी रहे हो तो प्रभु का नाम लेके खाओ, कुछ भी चर्चा कर रहे हो तो पहले हो करके चर्चा करो किसी भी तरह से। तो वो परब्रह्म परमेश्वर से आपका सानिध्य बना रहेगा और आपका हर क्रियात्मक जो है प्रभु को समर्पित होते हुए कार्य होगा। इस तरह का विश्लेषण भगवत गीता में बताया गया है। समया भाव है, इसके लिए विशेष आप लोग एक समूह बनाइए, तो कम से कम एक घंटा भगवत गीता सुनने का अवसर निकालिए, क्योंकि उसमें बात कही गई है कि इंसान की योनि पाने के बाद अगर उस परम तत्व से मिलने की चेष्टा नहीं है तो धिक्कार है ऐसा मानव जीवन, क्योंकि वो फिर नाना प्रकार की योनियों में सांप बिच्छू कुत्ता गधा न जाने कितने कितने योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। इंसान को नहीं ही बन पाएंगे, क्योंकि इस कलयुग के बाद सतयुग आना है, बीच में महाप्रलय होगा, तो आपको वह अवसर मिलेगा ही कि आप कैसे सारी योनियों को पार करके पुनर्जीवन मानव जीवन पा सकेंगे। ऐसा अवसर कभी अब मिलने को है ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये महाप्रलय बीच में जो है इसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा और एक तत्व बचा रहेगा, वो परब्रह्म परमेश्वर जो अहम अजम अव्यय अपना परिचय देते हैं प्रभु कि मैं ही अव्यय हूँ, अक्षर हूँ, अजन्मा हूँ, और मेरे सारे दिने आने वाला वो भी अक्षर हो जाएगा, वो भी अजन्मा हो जाएगा, वो भी अव्यय हो जाएगा और मेरे तत्व में वह स्वयं मिल जाएगा। जैसे बूंद समुद्र में मिल जाता है तो वह समुद्र स्वयं बूंद ही बन जाता है, उसी तरह से इंसानों को भगवद गीता की चेष्टा
चिकित्सा करने के लिए निर्देश दिया है कि आप अपने आप को कैसे परम तत्व के साथ जोड़ कर रखेंगे। इसी अर्थ जैसे आजकल 30 रोजे चल रहे हैं, रोजा क्यों रहना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 59 श्लोक से लेकर 72 श्लोक तक बताया गया है कि कैसे नमाज पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। पूरी दुनिया में नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन कैसी नमाज प्रभु कबूल करेगा वो भगवद गीता में बताया गया है, कुरान में नहीं। और रोजा रखने का तरकीब तो कुरान में है, लेकिन रोजा क्यों रखना चाहिए, मानवीय जीवन जीना है तब प्रत्येक व्यक्ति को यह व्रत उपवास निराहार रखना है। तो कैसे रहना है ये पूरा के पूरा भगवद गीता में बताया गया है, कुरान में से तरकीब बताया गया है। ये आश्चर्यजनक सानिध्य है इन ग्रंथों का, और दोनों ग्रंथों में 3500 साल का अंतराल है और एक युग का अंतराल है, वो द्वापर का है, कुरान कलयुग का है। लेकिन उसके जितने भी सिद्धांत हैं वो भगवद गीता से अलग है ही है। ये अद्भुत सामंजस्य है। मिसाल के तौर से बताऊं मैं, इस्लाम का मूल प्राण तत्व है अल्लाह और खुदा, ये दोनों के दोनों वेद के शब्द हैं, दोनों के दोनों अल्लाह भी और कुरान खुदा भी वेद के शब्द हैं। वेद में 10वें मंडल के 129वें सूक्त का पहला दूसरा मंत्र है, ये सारा संसार जो है सत्य और असत्य, असत्य कहते हैं जो नश्वर है और सत्य उसको कहते हैं जो अव्यय है, अक्षर है, अजन्मा, वो सत्य है। तो उस समय प्रलय का चित्रण ऋषि कर रहे हैं, नासा सिंधु उसको नासदी सूत कहते हैं, ऋग्वेद का जो मंत्र है, न सदा सिंधु सदा सी कदामी नासी रजो न व्योम परोय कि आवसुक उत्कस्य शर्मन न भा कि मासी गहनम गभीरम आनीत वातम पधया तदेकम स्वधा कहते स्वयं को खुद को, और धारण किए अपनी संपूर्ण शक्ति को स्वयं धारण किए हुए उस अपार अपार जल में वो ओम के आकार में नन्हा था, उसको कहते हैं अरिमा रूप में वो महाशक्ति तैर रहा था, वो स्वधया अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ, वही स्वधा शब्द जो है अवेस्ता भाषा में पधा शब्द हो जाता है और वही फारसी भाषा में खुदा हो जाता है। जिस तरह से दंती स को अवेस्ता में ख बोला जाता है, जैसे कि मूर्धन्य ष को वैदिक भाषा में ख बोला जाता है, जैसे पुरुष सूक्त का, पुरुष सूक्त का पहला मंत्र देखेंगे, सहस्र पुरुषा शेषा सहस्रा क सहस्र पाद, तो पुरुषा है शीर्षा है उसमें ख कहा जाता है, इसीलिए वो दंती स अवेस्ता भाषा में दंती स को ख बोला जाता है। इस तरह से उसको खुदा शब्द जो है वेद का शब्द है, वैसे ही अल्लाह शब्द है वो वेद का शब्द है। महर्षि पाणिनि ने कुरान से 2800 साल पहले अल्लाह शब्द की भी उत्पत्ति करी थी, तो उसमें बताया अल्लाह ला आ, ये तीन अक्षर मिलकर के तब अल्लाह बनता है। अल्लाह अल कहते हैं अल्लाह की, यानी जो पैदा करने वाले हैं उसको अल कहते हैं, इसीलिए माँ को अल्लाह अम्मा अक्का कहा जाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड, इसीलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी आप देखेंगे तो
कुछ भी आप देखेंगे तो वो मां की महिमा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी और वो ही तत्व से तारे बन